भाई बचपन पे साइकिल का पीछे बैठा के मैं तुझे स्कूल लेके जाता था, याद तो है ना? हाँ बहन, मुझे सब याद है। तूने एक बार वादा किया था तू कभी आर्मी बन जाएगा तो मुझे स्कूटी गिफ्ट करेगा, अब तो तू फौजी बन गया है। सुनो बहन, मैं एक फौजी हूँ और एक फौजी कभी वादा नहीं तोड़ता। सुनो बहन, तुम्हारा अगला बर्थडे पे तुम्हें तुम्हारा स्कूटी मिल जाएगा। थैंक यू भैया, तू बहुत अच्छा है। साथ यही तक था ये। बेटा छुट्टी पे घर आए हो, अब तो आर्मी का देश छोड़ के दूसरा देश पैना करो। क्या करूँ माँ, आदत सी भर गया है। माँ वो सब छोड़ो, तुम्हारा तो आँखों का बीमारी था, देखने में तकलीफ होता था। आप कैसे हो? अभी भी ऐसा ही है बेटा, तू फिक्र मत कर, मेरा चल जाता है। माँ मैं इस बार पूरा एक महीना का छुट्टी लेके आया हूँ, एक अच्छा सा डॉक्टर दिखा के तुम्हारा आँखों का ऑपरेशन करा के लाऊंगा। ठीक है बेटा। मम्मी और थोड़ा चावल दो ना, बहुत दिन बाद इतना अच्छा खाना खाया। ठीक है बेटा, अभी दे रहा हूँ। कश्मीर में घुसने का प्लान का क्या हुआ? साथियों तुम सब लोग मिशन के लिए रेडी हो जाओ। जनाब हम सब मिशन के लिए रेडी हैं। सामने इंडिपेंडेंस डे है, उससे पहले हम लोग कश्मीर में घुस के ऐसा तबाही मचाएंगे कि भारत का हर नागरिक का इंडिपेंडेंस डे मनाने का खुशी मातम में बदल जाएगा। तो फिर चलो हम लोग आज ही बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में घुस जाएंगे। हेलो, जय हिंद कैप्टन राजू। जय हिंद सर। कैप्टन मेरे बात ध्यान से सुनो, सीक्रेट एजेंसी से खबर मिला है, इंडिपेंडेंस डे से पहले भारी मात्रा पे कश्मीर पे आतंकवादी घुसपैठ हो सकता है। ओके सर, आप फिक्र मत करिए, हम कश्मीर पे कोई भी आतंकवादी घुसने नहीं देंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारा देशवासी खुशी खुशी इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। शायद आतंकवादी लोग कुछ बड़ा हमले करने का प्लान कर रहा है। तुम तुम्हारा बैटालियन का जितने भी फौजी छुट्टी पे किया है सबका छुट्टी कैंसिल करके कश्मीर में बुलाओ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी सबका छुट्टी कैंसिल करता हूँ। हेलो, जय हिंद सोल्जर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सुनो, इंडिपेंडेंस डे का पहले कश्मीर पे आतंकवादी हमला होने का खबर है, तुम लोगों का छुट्टी कैंसिल कर दिया जाता है। तुम लोगों को जेसीबी करके दो दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके सर, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ बेटा, कहाँ जाओगे? माँ मुझे अभी ड्यूटी पे जाना होगा, मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया है। बेटा तेरा तो एक महीने का छुट्टी था, अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुआ है। माँ बॉर्डर पे आतंकवादी हमला होने का खबर है, माँ मुझे जाना होगा, मेरा देश को मेरा जरूरत है। ठीक है बेटा, तब तो तुझे जाना होगा। एक फौजी के लिए देश माँ का रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा। बेटा अपना ख्याल रखना, भाई संभाल के रहना। माँ बहन तुम लोग दुखी मत हो, तुम लोग तो जानते हो फौजी का लाइफ ही ऐसा है। अब मैं चलता हूँ। हम सबको अलर्ट रहना होगा, एक भी आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके घुसने ना पाए। सर आप तो जानते हो ये भारत भूमि हमारा जान से भी प्यारा है। सर हम अपना जान दे देंगे लेकिन एक भी आतंकवादी को बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में घुसने नहीं देंगे। मेरा विश्वास है तुम लोगों का रहते हुए आतंकवादी क्या एक मक्खी भी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसने नहीं पाएगा। अब चलो अच्छा से काट देते हैं। ओके सर, चलिए। सर जी, आदित्य बोलो क्या हुआ? सर जी मुझे लगता है आतंकवादी लोग इस रास्ते से नहीं आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने सुना था तुम दोनों बहुत अच्छा शायरी बोल लेते हो। बोल तो लेते हैं सर, लेकिन पता नहीं अच्छा या बुरा। ओके सर, तो फिर सुनिए। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पे रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया,
बहुत अच्छा लगा दोस्त। पसंद तो और पल्लव तुम दोनों अच्छे से काट दो। ओके सर। ओके सर, आप फिकर मत कीजिए। अच्छा दीप, आप तुम्हारे बारी। तो फिर सुनिए, वो बाबू सोना डार्लिंग तो नहीं, लेकिन मैं उनको दुनिया और अपना जहान कहता हूँ। लोग पूछता है कौन है वो, तो मैं सिर्फ आस्कर माँ कहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दीप। दुनिया की हर माँ को मेरा दिल से सैल्यूट। अब चलो अच्छे से काट देते हैं। साथियों, ओ देखो सामने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आर्मी का कैंप लगा हुआ है। हम इन सब आर्मी को मार के कश्मीर में घुस जाएंगे। तुम सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लो। जनाब। यस सर, बोलिए। थोड़ा दूरबीन से देखो, अगर कुछ हालचाल नजर आए तो बताओ। ओके सर। या आ साथियों, आतंकवादी हमला हुआ है। अटैक। आतंकवादी ने हमारा दो साथी को मार दिया है। हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिपेंडेंस डे के पहले एक भी आतंकवादी घुसना नहीं चाहिए। साथियों, अटैक। कर्नो, तुम उधर जाके पोजीशन लो। माँ, मुझे जाना होगा, मेरे देश को मेरा जरूरत है। अब हमको कौन रोकेगा कश्मीर में घुसने से? इंडियन आर्मी तिरंगा को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। इंडियन आर्मी को तो मिट्टी में मिला दिया, अब चलो इस तिरंगा को भी मिट्टी में मिला देते हैं। एक फौजी के लिए देश माँ का रक्षा करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है जनाब, इसे अभी मिट्टी में मिलाता हूँ। अपनी जान को हम तिरंगे के नाम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। पर आंख उठाएगा भारत माता की, तो हम उसका काम तमाम कर देंगे।